ईसीजी। ईसीजी लीड्स। ईसीजी लीड्स। ईसीजी की 12 लीड्स होती हैं, 6 लिम लीड्स होती हैं और लीड 1, लीड 2, लीड 3 और लीड 4 एवीआर, एवीएल, एवीएफ 6 लिम लीड्स हैं और 6 ही चेस्ट लीड्स हैं। लीड्स 1, वी 1, लीड्स वी 2, लीड्स वी 3 और लीड्स वी 4 और लीड्स वी 5, लीड्स वी 6। और जो आपका हार्ट है उसकी जो इन्फीरियर वाल है उसको जो देखती है लीड्स इन्फीरियर वाल को वो 2, 3 एवीएफ है। जो लेटर वाल को देखती है वो है 1 एवीएल और V6, V5 और जो सेप्टम को देखती है वो है V1 एंड V2, V1 एंड V2। जो एंटीरियर वाल को देखती है लीड वो है V3 एंड V5। अगर चेंज आता है आपके इंफीरियर वाल का MI होता है तो फिर ST एलिवेशन कहाँ होगी वो V1 चेंज किधर आएगा V1, V2, V3 एंड V4 लीड्स में। अगर आपके लेटर वाल की MI होता है तो चेंज किधर आएगा किन लीड्स में आप देखेंगे उस चेंज को तो वो आपकी लेटर वाल लीड्स में आपने देखने और लेटर वाल लीड्स कौन सी हैं V1 AVL लीड 1 AVL और लीड V5 लीड V6। अगर आपके सेप्टम की इंफॉक्शन होती है तो चेंज ST एलिवेशन कहां होगी वो होगी आपकी लीड V1 एंड V2 में, लीड V1 एंड V2 में। तो इन लीड्स को आप किस तरह याद कर सकते हैं कि लेटर वाल लीड्स कौन सी हैं, आपकी इंफीरियर वाल लीड्स कौन सी हैं और आपकी सेप्टल लीड्स कौन सी हैं और वो कौन सी लीड्स हैं जो आपके सेप्टम की इंफॉक्शन जब होगी तो उसमें आपको चेंज नजर आएगा। तो वो तो इंफीरियर वाल MI होगा तो चेंज किन लीड्स में आएगा आपको किस तरह पता चलेगा इसका याद रखना है। कुलिए ईसीजी लीड्स ईसीजी लीड्स ईसीजी लीड्स आपके हार्ट जो इंफीरियर वाल है उसका अगर MI हो जाए तो किन लीड्स में आपको चेंज नजर आएगा वो है लीड 2, लीड 3 AVF। आप लीड्स को ईसीजी लीड्स को किस तरह याद करेंगे कि आपको अगर इंफीरियर वाल MI हो तो किन लीड्स में चेंज आएगा, अगर लेटर वाल MI है तो किन लीड्स में चेंज आएगा, अगर सेप्टल MI है तो फिर किन लीड्स में चेंज आएगा, अगर ईसीजी लीड्स अगर आपको हार्ट MI होता है और वो इंफीरियर वाल का होता है तो किन लीड्स में चेंज ST एलिवेशन होगी और अगर लेटर वाल का होता है तो फिर किन लीड्स में ST एलिवेशन होगी और अगर सेप्टम का MI होता है इंफॉक्शन होती है तो किन लीड्स में आपने ST एलिवेशन देखनी है। तो इसके लिए एक पर्सन है और उसके ये 2 से 3 फीट 2 or 3 feet तो इससे आपने देखना और ये जो इसके फीट है इधर से ये देख रहे हैं, इधर से ये लीड्स 2, 3
फीट से एवीएफ, एवीएफ तो टू से थ्री उसके फीट है, तो टू थ्री लीड्स और एवीएफ उसके हार्ट को की एक्टिविटी को देखती है, इनफीरियर वाल को देखती है। ये लीड्स किसको देखती है? इनफीरियर वाल ऑफ द हार्ट को देखती है। तो टू से थ्री इसके फिट है, तो टू थ्री एवीएफ जो लीड्स है इसमें आप इनफीरियर वाल ऑफ एम आई, इनफीरियर वाल ऑफ हार्ट को देखते हैं। टू थ्री एवीएफ इनफीरियर वाल ऑफ हार्ट को देखती है। उसके बाद है लेटरल वाल, जो हार्ट की लेटरल वाल है उसको कौन सी लीड्स देखती है? तो लेटरल वाल, ये पर्सन है, इसका ये एक लेटरल हैंड है और एक हैंड है, तो लीड वन एक हैंड है तो लीड वन, और वो लेटरल है तो एवीएल, लेटरल है तो एवीएल, एक हैंड है तो लीड वन। और इसकी फिंगर कितनी है? फाइव से सिक्स फिंगर है, फाइव से सिक्स फिंगर, तो वी फाइव एंड वी सिक्स, तो एक हैंड है, तो एक हैंड है लीड वन और लेटरल है एवीएल, और उसकी फाइव से सिक्स फिंगर है तो वी फाइव वी सिक्स, ये लेटरल वाला हार्ट को ये लीड देखती है, लीड वन एवीएल वी फाइव वी सिक्स। तो लेटरल वाल ऑफ हार्ट का अगर एम आई हो जाए तो चेंजेस किधर आएंगी? लीड वन में, लीड एवीएल में लेटरल, और लीड वी फाइव और वी सिक्स में। और अगर आपके इन्फीरियर वाल का एम आई होता है, इन्फीरियर वाल का एम आई होता है तो फिर चेंज किधर आएगा? तो फिर चेंज, तो मैंने आपको बताया कि जो आपके टू से थ्री फिट है, टू से थ्री फिट है और एफ से एवीएफ, तो ये हार्ट को इन्फीरियर, ये लीड इन हार्ट की इन्फीरियर वाल को देख रही है, तो टू थ्री एवीएफ हार्ट की इन्फीरियर वाल को देखती है। अगर इन्फीरियर वाल का एम आई होता है तो चेंजेस एस की एलिवेशन कहां नजर आएगी आपको? लीड टू, दो से तीन आपके फिट है, थ्री और एवीएफ, इसमें आपको एस टी एलिवेशन आप देख सकेंगे। उसके बाद ये जो पेशेंट है, ये जो पर्सन है, ये इसका नोज है, और इसके नोज का जो सेप्टम है उसकी वन से टू बोन है, उसमें सेप्टम में कितनी बोन है? वन से टू, तो वी वन वी टू सेप्टल लीड्स है, यानी कि इसका जो ये नोज है इसमें कितनी बोन्स है? वन से टू, तो V1 एंड V2 जो लीड्स हैं ये सेप्टम को देखती हैं, सेप्टल लीड्स हैं, इन्हें सेप्टल लीड्स कहते हैं। तो आपके नोज के सेप्टम की 1 से 2 बोन, तो उससे V1 एंड V2 ये सेप्टम को देखती हैं। तो हार्ट का जो सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको जो इसकी एक्टिविटी को, जो एक्टिविटी को जो लीड्स देख रही होती है वो है V1 एंड V2, इन्हें हम सेप्टल लीड्स कहते हैं। अगर अगर आपके सेप्टम का एक इंफार्क्शन हो जाए तो जो चेंज है, जो चेंज, जो एसटी एलिवेशन होगी वो किन लीड्स में नजर आएगी? वो वी वन, वी वन ये सेप्टल लीड्स है, वी वन एंड वी टू में नजर आएगी। उसके बाद आपका है ये पर्सन है, और इस पर्सन की ये क्लीवेज है एक, और फिर ये क्लीवेज है, एक क्लीवेज ऊपर की तरफ और दूसरी ये क्लीवेज होती है, ठीक है। तो ये एंटीरियर क्लीवेज होती है, एक ऊपर से क्लीवेज और नीचे से क्लीवेज, तो ये V3 एंड V4, क्योंकि V1 उसकी सेप्टल लीड्स है, नेजल सेप्टम की वन से थ्री, वन से टू बोन है, तो V1 V2 हो चुकी, और ये नीचे एक क्लीवेज है, तो V3 एंड V4 जो लीड्स है ये इंटीरियर वाल ऑफ हार्ट, इंटीरियर वाल, ये आपकी बॉडी के इंटीरियर वाल, इंटीरियर है तो इंटीरियर है, तो इधर से आप याद कर लेना है। तो जो अगर जो इंटीरियर वाल है ऑफ हार्ट की, इंटीरियर वाल, उसको कौन सी लीड देख रही होती है? वी थ्री एंड वी फोर। तो अगर इंटीरियर वाल ऑफ हार्ट का एम आई हो जाए तो चेंजेस किधर नजर आती है? लीड वी थ्री में एंड वी फोर में, वी फोर यहां आपको चेंजेस नजर आती है। तो
ये एक पर्सन है और ये उसके हैं 2 से 3 उसके फिट है, 2 से 3 फिट है, तो 2 से 3 फिट है, तो 2 3 AVF फिट्स, तो 2 3 AVF लीड इन, और ये फिट इंफीरियर है, 2 3 फिट जो 2 3 AVF जो लीड है वो हार्ट को इंफीरियरली देखती है, इंफीरियर वाल को देख रही होती है, तो इनफीरियर वाल कैम में ही होगा, तो चेंजेस आपकी 2 3 AVF में आपको ST एलिवेशन मिलेगी, तो ये इनफीरियर वाल लीड्स है। लेटर वाल लीड्स कौन सी है, आपका जो हैंड है वो एक हैंड है तो लीड 1 और वो लेटरल है तो AVL और उसकी 5 से 6 फिंगर है तो V5 एंड V6, तो जो लेटर वाल लीड्स है वो 1 AVL और V5 V6, तो ये लेटर वाल लीड्स है, ये आपका हार्ट है और उसकी जो लेटर वाल है उसको 1 AVL और V5 V6, ये लेटर वाल लीड्स है, तो लीड 1 लीड AVL आपका एक हैंड है तो 1 लीड्स और वो लेटरल है AVL और हैंड की 5 से 6 फिंगर है तो ये आपकी लीड 1 AVL V5 V6 लेटर वाल लीड्स है। जो सेप्टम है हार्ट का, जो हार्ट का सेप्टम है उसकी कौन सी लीड्स है, ये सेप्टम, ये नोज सेप्टम से आप याद करना है, नोज की सेप्टम की 2 से 1 से 2 बोन है तो V1 एंड V2, ये आपका है नोज और उसका सेप्टम, उसकी कितनी उसमें कितनी बोन है 1 और 2, तो V1 एंड V2 सेप्टल लीड्स है, सेप्टल लीड, अगर सेप्टम का MI होगा तो ST एलिवेशन कहां नजर आएगी, V1 में एंड V2 में। फिर जो बॉडी हार्ट, जो बॉडी है आपकी एंटीरियर बॉडी है पर्सन की, उसमें एक ऊपर क्लीवेज होती है और एक नीचे क्लीवेज होती है, तो ये V3 एंड V4 ये आपकी बॉडी के इंटीरियर 2 क्लीवेज है, तो ये इंटीरियर वाल ऑफ हार्ट लीड्स है, तो इंटीरियर वाल क्या हो जाए हार्ट का, तो वो कहां चेंज नजर आएंगी, V3 एंड V4, तो V3 और V4 एंटीरियर वाल लीड्स है। अब सेकंड कंसेप्ट ये है कि आप ECG में देखते हैं कि कुछ QRS कॉम्प्लेक्स अपवर्ड, उनकी डिफ्लेक्शन अपवर्ड है और कुछ QRS कॉम्प्लेक्स की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और कुछ QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो कुछ ऊपर एंड कुछ नीचे दरमियान में, तो ये क्यों होता है, ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि ये आपका हार्ट है, जो लीड्स और AVR इधर होती है और 2 3 AVF इधर इनफीरियर वाल को देख रही होती है, तो हार्ट की जो एक्टिविटी है उसका एक्सेस इस तरफ बनता है, तो जिस तरफ हार्ट एक्टिविटी एक्सेस की डायरेक्शन होती है उन वाले उन लीड्स में जो डिफ्लेक्शन है क्यूरस कॉम्प्लेक्स की वो अपवर्ड होती है, और AVR से आप देख ले 2 3 AVF में क्योंकि हार्ट की एक्टिविटी का जो जो एक्सेस है वो टूवर्ड 2 3 AVF है, तो फिर 2 3 AVF में अपवर्ड क्यूरस कॉम्प्लेक्स की रिफ्लेक्शन है, जबकि AVR जो है इससे जो एक्टिविटी हार्ट की वो अवे है, तो इन इसमें AVR में डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड होगी, नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी, तो टूवर्ड एक्टिविटी जो लीड्स हार्ट एक्टिविटी को ये देख रही है कि उनकी तरफ एक्टिविटी की डायरेक्शन है तो उनमें अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, जिनसे अवे हार्ट एक्टिविटी की वो एक्टिविटी की डायरेक्शन है उनमें जो QRS कॉम्प्लेक्स की रिफ्लेक्शन है वो नेगेटिव है। तो अब आपने किस तरह याद करना है सब लीड्स को, ये एक पर्सन है, फिर उसके 2 से 3 फीट है, तो 2 से 3 फीट इंफीरियर वाल लीड्स जो है 2 3 फीट से AVF, तो 2 3 AVF जो लीड्स है वो इंफीरियर वाल को देखती है हार्ट की इंफीरियर वाल को, और जो लेटरल वाल को देखती है वो एक हैंड है आपका, ठीक है, और उसकी एक हैंड है और वो लेटरल है AVL
और उसकी फाइव से सिक्स फिंगर है, तो वी फाइव वी सिक्स ये लेटर वॉल लीड्स है, ये लेटर वॉल लीड्स है। और जो सेप्टल लीड्स है वो कौन सी है, वो नोज की कितनी बोल है, वन और टू, सेप्टम की, नोज सेप्टम की, तो वन वी वन एंड वी टू सेप्टल लीड्स है। और जबकि आपकी जो बॉडी है उसमें टू क्लीवेज है इंटीरियर वाल पे, आपकी बॉडी के इंटीरियर वाल पे, तो ये वी वन एंड वी थ्री एंड वी फोर लीड्स को इंटीरियर वाल लीड्स कहते हैं, इंटीरियर वाल लीड्स वी थ्री एंड वी फोर। बस आप ये याद करें कि जो नोज होता है वो नोज नीचे की तरफ है ना, नोज नीचे की तरफ बहता है, तो जो वी वन एंड वी टू में जो क्यूआरएस कंप्लेक्स की डिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि नोज नीचे की तरफ बहता है सेप्टल लीड्स, तो सेप्टल लीड्स में क्यूआरएस कंप्लेक्स की डिफ्लेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी, क्योंकि ये आपकी ईसीजी है और ये पी वेव, और ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन होगी किन में, आपकी वी वन एंड वी टू में, क्योंकि जो नोज है वो नीचे की तरफ बहता है, तो इसमें डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ है। तो आपने देखा वी वन और वी क्यू वी टू में जो सेप्टल लीड्स है इनमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की डिफ्लेक्शन नेगेटिव होती है, उल्ट होती है, जबकि वी टू वी थ्री एंड वी फोर लीड्स जो है ये दरमियान में, बॉडी के दरमियान में, तो इनमें जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो कुछ ऊपर कुछ नीचे दरमियान में ही होता है, लीड्स जो है वी थ्री एंड वी फोर जो है ये दरमियान में है, दरमियान बॉडी के दरमियान में है, तो इनमें जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिफ्लेक्शन है वो दरमियान में है। फिर है आपकी जितनी भी दूसरी लीड्स है, जितनी भी दूसरी लीड्स है, इनफीरियर वॉल लीड्स या आपकी लेटर वॉल लीड्स, इनफीरियर वॉल लीड्स एंड लेटर वॉल लीड्स में जो डिफ्लेक्शन है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वो अपवर्ड है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। तो देख ले इनफीरियर वाली लीड्स है टू थ्री एवीएफ, दो से तीन फीट है,